दोस्तों 300 गाड़ियां 1500 लोग चौंका देगी पुष्पा की शूटिंग से जुड़ी ये पांच बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, लाल चंदन की तस्करी की कहानी। दोस्तों अल्लू अर्जुन की इस फिल्म पुष्पा के अंदर लाल चंदन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लाल चंदन की लकड़ियाँ ये असली में तो नहीं ला सकते थे, लेकिन जो है इस फिल्म के अंदर आर्टिफिशियल लाल चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जो आप लोग देख ही चुके हैं किस तरह से अल्लू भाई लाल चंदन की तस्करी करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रोज़ाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों पुष्पा मूवी की ज़्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में की गई थी। ऐसे में फिल्म की पूरी शूटिंग करने के लिए टीम की ज़रूरत पड़ती थी और टीम को जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, तो रोज़ाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पहले सीन में चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं और ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत होती है। इस एक दृश्य के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया था। पुष्पा फिल्म के लिए रोज़ाना 500 लोगों की ज़रूरत होती थी। एक गाने में 1000 लोगों को लेना पड़ता। फैक्ट नंबर 3, जंगल में सड़कें बनानी पड़ी। दोस्तों आर्ट डिपार्टमेंट की मदद से लाल चंदन की फैक्ट्री को दिखाया जाता है। मेकर्स को चंदन की तस्करी के ट्रांसपोर्ट वाले सीन को शूट करने में खास दिक्कत आ रही थी। इसका कारण था जंगल का खराब रास्ता। ऐसे में कई जगहों पर टीम ने कच्ची सड़कें बनाई थी ताकि आसानी से सफ़र किया जा सके। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने लाल चंदन को असली समझकर फिल्म की शूटिंग को ही रुकवा दिया था। जब फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद में लाल चंदन की आर्टिफिशियल लकड़ियों को जब गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था, तो पुलिस ने उनको असली समझकर गाड़ियों को रुकवा लिया था और एक बार तो फिल्म को बीच में ही रुकवा लिया था। फैक्ट नंबर 5, अल्लू अर्जुन से पुष्पा बनने में 2 घंटे लगते थे। दोस्तों अल्लू अर्जुन को पुष्पा बनाने के लिए कई घंटों का समय लग जाता था। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन के मेकअप में करीब 2 घंटे का समय लगता था, फिर मेकअप हटाने के लिए भी काफ़ी समय एक्टर को इंतज़ार करना पड़ता। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अल्लू अर्जुन से रिलेटेड और पुष्पा मूवी से रिलेटेड यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक।